और इसी के साथ भिंड से आदित्य द्विवेदी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, बताएं कि भिंड में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी के दौरे लगातार जारी हैं। वहीं सभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, डोर टू डोर विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क कर रहे हैं। कल कांग्रेस ने एक रैली निकालकर जिला प्रशासन को समस्याओं के बारे में अवगत कराया था, जहां भिंड कलेक्टर ने उनका ज्ञापन नहीं लिया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दीवार पर ही अपने ज्ञापन को चस्पा कर दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसे जो प्रशासन के अधिकारी हैं जो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो जनता की समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है जो समस्या न सुन सके। तो काफी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो रैली निकाली, सतपुड़ भवन में आग लगी उसको लेकर, और जो शहर में विद्युत समस्या सबसे ज्यादा है उसको लेकर, और शहर में जो बरसात चल रही है और उसको लेकर जो जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, जगह जगह जल भराव की स्थिति है, सभी वार्डों में ये समस्या है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, ना समय से बरसात से पहले ना तो नाली नालों की सफाई कराई गई है, यहाँ नगर पालिका की ये पोल भी खुली है। इस तरीके से पानी पूरे शहर में भरा हुआ है, लबालब स्थिति है, और सरकारी नालों पर जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा कर हम कैसे सफाई करा दें, जबकि ये कैसे कह रहे हैं कि मतलब जो अतिक्रमण है तो उसका अतिक्रमण हटाना चाहिए ताकि ये समस्या का निराकरण हो सके। लेकिन आपको वही बता दें कि जब ये कांग्रेस की रैली जो निकाली गई थी समस्याओं को लेकर, इस पर सदर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस तो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, कांग्रेस तो झूठ बोलती है, और 15 महीने की सरकार जो थी वो गिरती नहीं अगर कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। तो लगातार इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 1 जुलाई को आम आदमी पार्टी के द्वारा भी विशाल जनसभा ग्वालियर में होने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी उपस्थित रहेंगे। ये विशाल जनसभा आम आदमी पार्टी की ओर से 1 जुलाई को ग्वालियर में हो रही है। वहीं आपको बता दें चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चंबल संभाग में लगातार सभी राजनीतिक दलों के दौरे जारी है, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो चंबल संभाग में एक अहम भूमिका रहेगी। जी शायद जी बिल्कुल आदित्य, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।